मैं हूँ आलोक रंजन और मेरे कराया दोस्तों, आज जो है मुंबई रिफाइनरी का जो है जनरल एटीट्यूड, जिसमें हम 50 मार्क जो है उसको डिस्कस करेंगे। और इसको जो है 200 क्वेश्चन इसमें मैंने प्रोवाइड किया है इसमें। और जो है एक तो जो है प्रीवियस ईयर का जो है पेपर है उसको देखते हुए जो है नॉन टेक का जो है सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें पहले जो है हम देख लेते हैं क्या क्या हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इसमें दोस्तों जनरल नॉलेज के अलावा बाकी सारी चीज़, एक जनरल नॉलेज हमारी पेंडिंग है और जो है जनरल एप्टीट्यूड में, और जो है टेक्निकल में अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट वाला जो है पोर्शन, ये पेंडिंग है। बाकी सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है ना दोस्तों। मुंबई के जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में मुंबई जो है रिफाइनरी में तो सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों 2019 का पेपर है जो एसपीसीएल मुंबई रिफाइनरी का ही है ऑपरेशन टेक्नीशियन के लिए। तो उसको देख लेते हैं कि उस समय जो है क्या पूछा था, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जनरल साइंस इसमें आ रहा है, तो जनरल साइंस में क्या क्या आएगा। तो जनरल साइंस में जो है केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगा और बायोलॉजी आएगी। तो उस समय जो है क्या आया था जनरल साइंस में उसको देखेंगे। उसके बाद जो है जनरल साइंस के बाद जो है आपका मैथ में क्या क्या आया था, उसके बाद मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर देख लेंगे। उसके बाद जो है आपका जो है हमारा रीजनिंग देख लेंगे, है ना दोस्तों, और जीके भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पेपर को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। आई होप बहुत लोगों ने इसको सॉल्व ऑलरेडी कर चुका होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदौर रिएक्शन H2S+I2 गिव अस H2SI+S। इसमें कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है I2 है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो एसिड बेस एंड साल्ट से है ना दोस्तों, इस ये कौन से चैप्टर से है, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से है। इसमें कह रहा है कि सोल्यूबल जो है वाटर में सोल्यूबल ऑक्साइड इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है Na2O, है ना। तीसरा क्वेश्चन भी एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से है केमिस्ट्री के। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो है कौन सा साल्ट जो है एसिडिक नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर 4 है NH2 का होल ट्राई होल और SO4, है ना, ब्रैकेट में SO4 जो है, उसके बाद जो है SO4। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया है स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का जो स्टेट होता है उसके उससे कि जो जो नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है मेटल और नॉन मेटल में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको अगर पढ़ेंगे ध्यान से, और या स्टेट ऑफ मैटर में भी मिल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ग्रेफाइट है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये भी मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर से ही उठाया गया है, जिसमें जो है कैल्शियम है, कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है ना, तभी तो कैल्शियम जो है कार्बोनेट ये जितने भी होते हैं स्केल फॉर्मेशन करने वाले कंपाउंड, परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करने वाले, तो इसीलिए ये पाए जाते हैं ना। ये मेटलॉइड पूछ रहा है, ये भी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से लिया गया है। मेटलॉइड इसमें क्या है, तो आर्सेनिक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एसिड बेस एंड साल्ट का फिर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि ऑन डिसोसिएशन इन एन एक्वस सोल्यूशन एसिड गिव H+ आयन एंड बेस गिव OH- आयन द कंसेप्ट फॉर्मुलेटेड बाय। तो ये किसने बताया था कि जो एसिड होता है वो जो है H+ आयन रिलीज करता है, बेस जो होता है OH- आयन रिलीज करता है। तो ये जो है आर्हेनियस ने ऐसा नियम दिया था जो एसिड बेस एंड साल्ट में चैप्टर में ही पहले ही है फ्रंट पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज लेड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, किसके कंपेरिजन दें। तो ये दोस्तों मरकरी के, और ये जो है आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा ये चीज़, या कोरोजन और रस्टिंग की जो है बेसिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें भी मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा देखते हैं, कह रहा है कि और इसमें से कौन सा जो है वाटर में ऐसी ऑक्साइड है जो सोल्यूबल है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, वही है Na2O, मेटल एंड नॉन मेटल का। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, और किसका पूछा है, मैग्नीशियम का, बहुत ही ईजी है।
तो इसका 2 8 2 हो जाएगा। इसके अलावा जो कह रहा है कि द रिएक्शन 2 Fe SO4 गिव अस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस जो है SO3, ये किस चीज़ का एग्जांपल है? तो ये दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये NCERT के सारे NCERT के हैं दोस्तों, सारे चैप्टर उनको पढ़ेंगे तो ऐसे मिल जाएगा। NCERT के ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से देखेंगे तो मिल जाएगा, उसमें सब बहुत विधिवत दिया है। इसके अलावा जो है ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर से उठाया है कि इसमें से कौन जो है किसका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज है। तो ये पीरियोडिक टेबल का है, एटम की साइज तो एल्युमिनियम का है, जानते हो बोरॉन कार्बन सिलिकॉन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक साइज भी बढ़ती जाती है ना। इसके अलावा जो है आइसोटोप ऑफ एलिमेंट है, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, या बेसिक केमिस्ट्री से चैप्टर नाम है उसमें भी मिल जाएगा, है ना। तो ये इस चैप्टर से पूछा गया कि आइसोटोप जो होता है उसमें जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो कह रहा है केमिकल बॉन्ड से एक क्वेश्चन उठाया है कि विच आर द फॉलोइंग रिलेटेड टू लंडन फोर्स। लंडन फोर्स जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये केमिकल बॉन्डिंग में जो है वंडरवाल फोर्स के बाद जो है लंडन फोर्स का डिस्कस किया गया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ मैटर से, मैटर का जो स्टेट है उससे कि फिजिकल स्टेट। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या इसमें करेक्ट है? तो कह रहा है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 273 केल्विन इज आइदर लिक्विड या सॉलिड। बिल्कुल सही है, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, जो है इसके स्टेट को बताया गया है वाटर की, है ना, उस 273 केल्विन पे टेम्परेचर पे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, कह रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम रिएक्ट लेस रैपिडली विथ डाइल्यूट HCl देन सोडियम, ये जो है इसका है ना। नेक्स्ट नॉन मेटल और मेटल से है कि जो है मेटल जनरली फॉर्म, मेटल जो है जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो ये जो है बेसिक फॉर्म में पाए जाते हैं, बेसिक ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से है। नेक्स्ट है द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एटम एंड मॉलिक्यूल जो है चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी से ही मिल जाएगा, उसी में ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बहुत सिंपल है क्लोरीन की। तो ऑप्शन नंबर जो है जो 2 है, क्योंकि उसमें एक नेगेटिव कर दिया है तो इसका 2 8 17 7 की जगह पे 2 8 8 हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे आएगा। फिर जो है ये क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो गए हैं इसमें जो है ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है मोबाइल के साथ, इसमें थोड़ा सा जो है स्किप हो जाती है वीडियो, कोई नहीं चलते हैं। मेटलर्जिक हो गया, हाँ इसमें जो है अब प्रॉपर्टी ऑफ ये भी हो नहीं, अभी पेंडिंग है ये सब क्वेश्चन। हाँ ये है हमारा कि यहाँ तक था हमारा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका I2 हो गया था। नेक्स्ट है कि विच फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, इसमें से कौन सा, ये भी हो गया था आपको बता दिया था, ये है 9वां क्वेश्चन जो है। विच आर फॉलोइंग इज अ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ये भी स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर से दिया गया है। तो वाटर की जो फ्रीजिंग होती है वो फिजिकल जो है चेंजेस में आते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये सारे जो है स्टेट ऑफ मैटर में मिल जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल है ये। इसके अलावा जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन थ्री जो स्टेट एज वेल एज अ कंबाइंड स्टेट, ये भी स्टेट ऑफ मैटर से लिया गया है, और ये जो है Ag यानी सोना। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन उठाया है कि मेंडली पीरियोडिक लॉ जो है उस स्टेट दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर, तो दोस्तों द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक जो है मास या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है ना, पीरियोडिक टेबल किसका, मेंडलीव का। तो ये भी जो है पीरियोडिक टेबल से लिया गया है, ये आपका जो है
केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस लिया गया है, इसमें जो है रिएक्शन को बैलेंस करना है, और रिएक्शन ये है और इसमें बैलेंस करना है, ए बी सी डी की जगह पे क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है और कह क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन। आपने सब पढ़े होंगे जो है, जैसे एल्केन एल्केन एल्काइन, ये सारे जो है दोस्तों कार्बन और इट्स कंपाउंड से लिए गए हैं, तो उसी में जो है इथीन का प्रॉपर्टी जो है उसमें भी दिया है, तो उसको पढ़ेंगे तो ये जो है सॉल्व कर लेंगे कि जो एथीन होती हैं सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो ये इनकरेक्ट हो उनके लिए, है ना। तो ये सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया। इसके अलावा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये पूछ लिया कि आइसोटोन क्या होते हैं, है ना, आइसोटोन क्या होते हैं, जैसे आइसोबार जो होता है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वैसे ही आइसोटोन भी हमारे होते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, या डायरेक्ट नेट पे सर्च करके पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो है आपका जो है कह रहा है एटॉमिक थ्योरी किसने दी, तो इसमें एटॉमिक थ्योरी जो है एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में ही मिल जाएगा, तो एटॉमिक थ्योरी जो है जॉन डाल्टन ने दी थी। इसमें कह रहा है कि विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है कि एसिड आर बीटर इन अ टेस्ट, वो बीटर नहीं होते हैं ना, ये गलत है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, ये भी एसिड और बेस एंड साल्ट से है, कार्बोनिक एसिड है सबसे वीक। सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया गया है कि 500 ml ऑफ 5.5 HCl डाइल्यूटेड बाई एडिंग 5 liter ऑफ वाटर, द मोलालिटी, मोलालिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, या जो है मोला रिटी हो गई, ये सारी चीज़ जो है सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो पॉइंट वन आएगा इसका। नेक्स्ट है एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला वही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है उस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका होता है CnH2n-2, है ना। इसके अलावा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी एटोमिक स्ट्रक्चर से चैप्टर उठाया गया है, क्वेश्चन उठाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसको बहुत मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक और है रिएक्शन वाला, इसमें भी वही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है आपको, ए बी सी डी की जगह पे क्या भरें कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए ना। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एट अ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एल्युमिनियम नाइट्राइड, द प्रोडक्ट एल्युमिनियम नाइट्राइड विल हैव टू फार्मूला, तो उसका फार्मूला बस पूछा है, तो ये कोरोजन केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा, AIN, है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले चैप्टर है, कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया रहा है तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा, है ना। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, द मेटल यूज फॉर द प्रोसेस इज, तो उसमें जिंक यूज होता है, और ये क्वेश्चन जो है कोरोजन की बेसिक केमिस्ट्री से है, या रस्टिंग कह लो तो वो भी एक चैप्टर है, तो उससे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, तो इसमें जो है सॉल्यूशन से है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा है, कितने क्या है, कितने ग्राम जो है ना, तो सॉल्यूशन से है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। IUPAC है, तो IUPAC चैप्टर एक पर अलग है ही, तो ये जो है प्रोपेनॉल की जो है IUPAC ने पूछा था। नेक्स्ट है सोल्यूशन से एक और क्वेश्चन है कि एज सोल्यूशन हैज़ अ 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड और 175 ग्राम ऑफ वाटर, तो कह रहे हैं वाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन टर्म ऑफ वेट बाय वेट, है ना, तो ये भी आपका जो है एक तरह से सोल्यूशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ये है हमारा सोल्यूशन का हो गया, इसमें थोड़ा सा ये ओवरलैप कर जा रहे हैं, हाँ ये है हमारा, तो इसका जो है कह रहा है कि एज सॉल्यूशन हैज 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एज 175 ग्राम ऑफ वाटर,
व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द टर्म ऑफ वेट बाय वेट, तो इसका जो सोल्यूशन है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 निकल के आएगा। एक ये क्वेश्चन है विटामिन और डिजीज, जो बायोलॉजी का चैप्टर है, विटामिन्स, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये सारी चीज़ें हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में। तो ये दोस्तों जो है पूछ रहा है कि किसकी जो है, जो अल्कोहल की ज़्यादा समय तक सेवन करते हैं उनको इसमें से कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उनको जो है सिरोसिस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टाइडल इफेक्ट, ये सोल्यूशन सही है, तो टाइडल इफेक्ट किस में दिखाया जाता है, तो ये दोस्तों स्टार सोल्यूशन हो गया। मेटलर्जी का एक क्वेश्चन है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है किसके लिए होता है, तो सल्फाइड और सल्फाइड और जितने भी होते हैं उनके लिए होता है। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन है कि जो है अगर हम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें से कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंक्रीज कर जाती है, तो वह साइज ऑफ एटम, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, जैसे ही नीचे जाओगे तो उनके एटम की साइज बढ़ती जाएगी। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से क्वेश्चन है कि 2Mg+O2 गिव अस 2MgO, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। रिएक्शन की जितनी भी टाइप है उनको आपको पढ़ना है, और ये होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर से। नेक्स्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था आर्गन का, तो आर्गन का 288 है। इसके अलावा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, ये भी पीएच इंडिकेटर, ये सब जो है एसिड बेस एंड साल्ट में जो है पीएच स्केल पढ़ेंगे, फिर पीएच मेजरमेंट करने के लिए जो है पीएच सॉल्यूशन, जैसे फिनेप्थलीन वगैरह, ये है लिटमस पेपर, उसी में यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर भी आएगा। तो वही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन बी यूज चेक द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उनका पीएच चेक करने के लिए कौन सा इंडिकेटर होगा, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इसमें से क्या कौन सा मिक्सचर है, तो मिक्सचर, कंपाउंड, ये सारे जो स्टेट ऑफ मैटर में आप पढ़ेंगे, तो हनी, हनी में कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। नेक्स्ट, द साल्ट दैट फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इन अ वाटर, इसमें से कौन सा जो है साल्ट है जो वाटर में मिलकर न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा, तो है दोस्तों पोटेशियम सल्फेट। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा ऐसे साल्ट को मिलाएंगे पानी में, तो पानी का पीएच 7 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। एसिड बेस एंड साल्ट इसको ब्रॉड पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। फिर ये एसिड बेस एंड साल्ट का ही चैप्टर है कि मेथिल ऑरेंज जो है रेड कलर सॉल्यूशन में देता है, तो रेड कोई भी कलर देगा तो सॉल्यूशन जो है किस नेचर का होगा, है ना, तो वो एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है, सॉरी, इसमें लेस देन 7, वही कह रहा है कि जो है मेथिल ऑरेंज गिव रेड कलर इन अ सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज, तो एसिडिक यानी कि लेस देन 7, 7 से कम, है ना, ऑप्शन नंबर बी। पीरियोडिक टेबल से ही पूछा कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, तो 18 ग्रुप उसमें हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोबार, आइसोबार हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोनिक, बहुत सारे हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, तो वो ऑप्शन नंबर 3 से है, कैल्शियम 20-40 और आर्गन 18-40, है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जे जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम वाज बेस्ड ऑन अ एजप्शन दैट एन एटम हैज अ स्फेरिकल शेप आर अ लाइक अ बॉल इन, तो ये दोस्तों किस में है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया। अब देख लेते हैं कि जो है जीके के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का अधिकारत प्राप्त किया, जिससे उन्हें पूर्व के साथ व्यापार करने में एक सकल अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1600 AD में। मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चंदेल वंश ने किया। उसके अलावा जो है भारतीय संविधान के अनुसार यदि कितने दिनों की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना उस सदन की अनुमति के उस सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उक्त सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन अगर वो अब्सेंट रहा तो। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की कमी से हो रहा है, तो ये भी वही वाला चैप्टर है विटामिन एंड डिजीज वाले में, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके अलावा क्वेश्चन है
कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द फेमस म्यूजिशियन अपालापु श्रीनिवास एसोसिएटेड। तो यानी कि अपालापु श्रीनिवास जो है किस म्यूजिशियन मतलब किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के क्षेत्र में जो है विख्यात हैं, तो वो दोस्तों मंडोलिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, मनुद्वीप भारत का किस राज्य का भाग है, तो ये दोस्तों केरल का है। कह रहा है कि हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ईयर 1980। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 6 बैंकों का हुआ था। इसमें कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि से होकर जो रेखा गुजरती है कौन कौन सी है, तो केवल 2 नंबर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है बस। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ अ सेकेंड हाइगेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट एट अ हाइगेस्ट बैंक इन यूपी। कह रहा है यूपी के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट किस स्टेट में पाई जाती है, तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये एनी बेसेंट बनी थी। अब आ जाते हैं, वो तो जीके का था, अब आ जाते हैं दोस्तों मैथ में। मैथ में कह रहा है एज संबंधित यह है प्रश्न कि एक माँ अपने बेटे से कहती है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यदि माँ की आयु अभी 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उस लड़के की उम्र क्या थी, यानी कि आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस समय जो है 13 वर्ष का था। नेक्स्ट, इसमें रीजनिंग में कह रहा है क्वेश्चन वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं मिला बनाया जा सकता, तो बेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी बी नहीं है, यहाँ पे बेस्ट है ना, इसको जो है। नेक्स्ट जो इसमें इनकरेक्ट जो है 10, 15, 25, 40, 60, 85, 115, 155, इसमें जो है इनकरेक्ट है उसको आपको ढूंढना है, तो वो है दोस्तों 155, क्योंकि सब में देखते जाए 5 जो है 10, 15 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो 115 के बाद जो क्या जोड़ेंगे 155 नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए का मतलब 2 है, डी का मतलब 5 है, यानी कि प्लस वैल्यू से प्लस 1 ऐड कर दे रहा है। ए की प्लस वैल्यू 1 है, लेकिन 1 में 1 जोड़ के 2 कर दिया। डी की वैल्यू 4 है, 4 में 1 जोड़ के 5 कर दिया। तो वैसे ही एक एक संख्या बढ़ाते जाएं तो एप्लीकेशन में कितना जो है क्या आएगा, कितनी वैल्यू आएगी, है ना, तो 127 हो जाएगा। जैसे सांप का संबंध सरीसृप से है, वैसे व्हेल किस टाइप की है, तो स्तनपायी है ना। अब जो है ये एलजेब्रा से क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन वाला अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो एलजेब्रा में, तो वहाँ पे ये मिल जाएगा क्वेश्चन कि बकरियों तथा मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की 2 गुनी संख्या से 14 अधिक है, तो बकरियों की संख्या क्या है ना, तो ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से, तो दोस्तों 7 है। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 256 आएगा, बहुत ईजी है। जैसे स्पेन का मनी पेसेटा है, वैसे यूके का क्या है, तो यूके में पाउंड चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास ये जो है आपका रिलेशन संबंधित प्रश्न है। कह रहे हैं विकास का परिचय देते हुए गुप्ता ने कहा उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, तो दोनों आपस में क्या हुए, तो मतलब उससे क्या संबंध हुआ, तो वो उसका दामाद हुआ। नेक्स्ट है सरपट चाल, हिनहिनाना, म्याऊ, चूचू करना, तो इसमें सब एक आवाज़ वो एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि सरपट चाल मतलब तेज़ी से चलने को कहता है ना, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है जैसे 7 का 7 संबंध है 50, वैसे ही इसमें से कौन सा संबंध है जो 7 संबंध 50 को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है 1:2 का। नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 के बाद क्या आएगा, तो इसमें 49 आएगा, कैसे आएगा आप सॉल्व कीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी कोड में डायमंड को EJBNPO लिखा जाए तो EMERALD को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसमें विंड, जूल, पास्कल, न्यूटन, इसको जो है अलग जो वो करना है, तो इसमें विंड हवा आ जाएगी, बाकी जूल, पास्कल, न्यूटन ये सब एक मात्रक है। ब्लड रिलेशन संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसका मतलब ये है ना, तो कुल मिला के कह रहा है कि जो है हाउस से रिलेटेड है, तो ये जो है ग्रैंडसन होगा, तो ये ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है। इसके अलावा एंटोनिम आ गया, मैसिव, मैसिव मतलब होता है कि
बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसका छोटा रूप क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। करेक्ट स्पेल्ड, तो कम्पेन, कम्पेन जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग है, कर ए पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड मूव फॉर अ डांस परफॉर्मेंस। तो ये जो है कुल मिला के कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंपोज भी करता है कई स्टेपों को मिला के डांस परफॉर्मेंस के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कोरियोग्राफर कहा जाता है। ये आर्टिकल से लिया गया है कि इसमें जो है सूटेबल आर्टिकल भरना है, नैनीताल इज़, तो इसमें जो है नैनीताल इज़ ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, ए गुड टर्न, इसका मतलब क्या होता है, ये एक मुहावरा है, तो इसका मतलब है ए हेल्पफुल एक्ट, एक जो है बहुत हेल्पफुल कार्य है। नेक्स्ट है, इसको जो है आपको एरर बताना है, एरर है या नहीं है ना, तो इसमें क्या है, माई फादर जनरली रीड द मराठी न्यूज़पेपर, तो इसमें जनरली रीड जो है एरर है ना, तो इसको हम टिक लगा दिए। इनकरेक्ट, इसमें क्या है जो है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है, तो चिपकी सही है, चिपकी सही है। चीट, चिट की स्पेलिंग गलत है, सी एच आई टी होती है जबकि ई टी लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है ना। नेक्स्ट है, द गार्डनर इज़ मूविंग द लॉन, जो गार्डनर जो है लॉन की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है आपको, तो ये हो जाएगा द लॉन इज़ बीइंग मूव बाय द गार्डनर। नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, प्रिसाइज का जो है एक तरह से सिनोनिम बताइए, तो एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट प्रिसाइज मतलब कि वही जो है एकदम सही सटीक जिसे कहते हैं, है ना। सीमा साइड हु बॉट दीज स्वीट, मतलब कि सीमा जो कह रहे हैं कि कौन इस मिठाई को खरीदी, तो इसको आपको इनडायरेक्टली बोलना है ना, तो ये क्या है, सीमा आस्क हु हैड बॉट दोज स्वीट, ये हो जाएगा। ये बोर्ड मास है, बोर्ड मास पे फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सही 1/18 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दोनों चैप्टर इसमें कंबाइंड है ना। इसमें क्या कह रहा है कि रुपए एक्स की राशि वार्षिक तौर पर ब्याज की चक्रवृद्धि पर प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज के प्रतिशत पर 2 वर्षों में 30,250 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्ष में 33,275 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है x की मान जो है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, और इसमें जो है x की मान जो भी है उसको सॉल्व करना है ना, तो ये जो है 25,000 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि दो अंगों का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 4 अंक जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है, यदि प्रत्येक में 10 अंक घटाया जाता है तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा ना, तो अनुपात संबंधित प्रश्न से है, तो 1:4 हो जाएगा। इसके अनुसार है कि सामान्य ब्याज पर 500 की राशि 5 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है, उसकी उसी सामान्य ब्याज के दर पर 2 सही 3/5 वर्षों के समापन पर 75 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे, तो ये दोस्तों 9450 आ जाएगा, ये वही है चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह। नेक्स्ट है कह रहा है कि 40,590 को राशि को जो है 2 सही 1/2 2 2/3 3 सही 1/2 1 सही 1/6 1 सही 1/3 के अनुपात में ए बी सी डी को विभाजित करना है, ए और डी का जो हिस्सा निकल के आएगा उनके बीच में क्या अंतर है वो आपको बताना है ना दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आएगा 5904। फिर ये दोस्तों बोर्ड मास वाला है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका सही है 9 सही 3/4, ये करेक्ट आंसर है। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 21,660 बराबर 2 to the power x, y to the power 3, 5 to the power w, तो x, y, w जहाँ पे प्राइम नंबर है, तो 2x-y+w की वैल्यू क्या होगी, तो वो दोस्तों 9 निकल के आएगी। नेक्स्ट कह रहा है, एक अर्धगोला कटोरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, एक तरल पदार्थ से पूरा भरा हुआ है,
जिससे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलें को भरे जाना है। कटोरों को खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? तो ये 72 है। इसमें जो है सब फार्मूले आपको जो है ज्योमेट्रिक के एक तरह से जो है आपको अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, इन सब के जो है आपको सरफेस एरिया वगैरह ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और उनसे क्वेश्चन ये कंबाइंड करके बनाया गया है। नेक्स्ट है, करें एक व्यक्ति ए पर्सन सेल 3 आर्टिकल एट अ सेम प्राइस, 1 ही गेन 50% वाइल एनोदर 2 लॉसेस 20% 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ओवरऑल गेन या लॉस? तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 3 वस्तु जो है बेचता है, एक पे उसे 50% का मुनाफा होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है, तीसरे पे 25% की हानि होती है, तो ओवरऑल उसे कितना हानि या कितना लाभ हुआ? तो लाभ जो है 7.7% होगा और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट है, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तथा सी डी से 60% अधिक है, तो निम्न में से क्या सही है? तो इसमें से ये सही है कि ए जो है डी से 79.2% अधिक है, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्स का 60% 60% से 60 अधिक है तो एक्स का 16% क्या होगा? तो ये 25.6 होगा। नेक्स्ट है, करें कि इफ़ द 8-डिजिट नंबर 42432X189Y, इसमें करें कि ये जो है पूरी तरह 72 से डिवाइड हो जा रही है, तो सबसे पहले तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू जो है x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, फिर जो है y में से x को घटा दीजिए, तो उसकी वैल्यू जो आएगी उसको सॉल्व करेंगे तो वो 9 निकल के आएगा। ये जो है आपका बोर्ड मास वाला है, इसको देख के इसको सॉल्व करेंगे, कुछ टफ नहीं है, बस टाइम टेकन ज़्यादा लेगा। नेक्स्ट, बाय सेलिंग अन आर्टिकल फॉर 1150 रुपये, सुनीता गेन 25%, इफ ही सेल इट फॉर 874 रुपये, देन ही हर लॉस या गेन परसेंट विल बी। करा कि इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो है जब 1150 रुपये में सुनीता जो है सेल की किसी वस्तु को, तो 25% का लाभ प्राप्त हुआ, गेन प्राप्त हुआ, है ना। तो अब उसे 874 रुपये में बेचना है तो उसको लॉस परसेंट कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है 5% का लॉस उसको होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है नहीं दिख रहा था, मैं इसमें लिखा हूँ कि 1 वैरायटी ऑफ साल्ट कास्टिंग 20 per kg इज मिक्स विथ एनोदर वैरायटी ऑफ साल्ट कास्टिंग एक्स पर केजी इन अ रेशियो 3:1, सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट 23.10 per kg देर आर अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, है ना। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 24 आंसर आएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अब चैप्टर देख लेते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी से, इसमें क्या था और इससे पहले जो है किस किस मतलब कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना, जिसको हमें अभी टाइम में पढ़ना है। तो एसिड बेस एंड साल्ट वाला आपने देखा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से देखा आया था, मेटल एंड नॉन मेटल से आया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, करोजन एंड रस्टिंग से, स्टेट ऑफ मैटर से, एटम एंड मॉलिक्यूल, विटामिन एंड डिजीज, ह्यूमन ब्लड। दोस्तों एक क्वेश्चन ये था जो है खून की जो है ब्लड के जो समूहों की खोज किसने की, तो जो है ह्यूमन ब्लड से है। इसके अलावा जो है प्रीवियस अगर देखें, इससे पहले वाला पेपर जो है 2016 या 2017 का था, तो उसमें जो है इसमें तो पूरे पूरे केमिस्ट्री थी, तो उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से आए थे जैसे, और बायोलॉजी में ह्यूमन ब्रेन से भी आया था एक जो है, उसमें ये पूछा था कि जो है मेंडुला ऑब्लॉगेटा जो है एक तरह से जो है क्या कंट्रोल करता है ना।
तो उसमें जो है वो ह्यूमन ब्रेन से है। इसके अलावा जो है मोशंस जो है, इसके अलावा जो चैप्टर पढ़ना है कि हो सके अगर फिजिक्स का दे दे तो फिजिक्स का तो देगा ही, जब जो है साइंस डाला है तो फिजिक्स के जो है अब तक के अगर हम पास्ट जो है हिस्ट्री देखें तो उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभा रहे हैं आज तक जो है फिजिक्स के चैप्टर में, तो जैसे मोशन हो गए, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर, साउंड एंड वेव, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाली, ह्यूमन आइज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट से सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और जो है ह्यूमन जो है हार्मोन्स जितने होते हैं, और फोर्स और लॉ ऑफ फोर्स। इनसे जो है आपको देखोगे तो इनसे जो है ओनली जो है ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर ये चैप्टर कर ले रहे हो तो फिर ये केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन उठाएगा इसी से रहेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, तो जो है एप्टीट्यूड मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश से, इससे कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था, तो एज संबंधित हो गया, अलजेब्रा जैसे लाइनर इक्वेशन का आया था, बोर्ड मास हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो हो गया, और स्फीयर, सर्कल, सिलेंडर, कोन इत्यादि की सरफेस एरिया वगैरह निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और स्क्वायर एंड क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एलिगेशन और मिक्सचर्स हो गया, एवरेज हो गया, डायरेक्शन हो जो है डायरेक्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया है ना, पाइप एंड सर्टेन हो गया, और घातांक और कर लिया है ना, 15। 15 चैप्टर तो आपको मैथ से 100% देना ही है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आ रहे हैं मैथ में। रीजनिंग में वही है, ब्लड है, ऑड मिन आउट, कोडिंग डिकोडिंग वाले हो गए, नेक्स्ट सीरीज हो गए, मिसिंग नंबर हो गए, अल्फाबेटिकल रीजनिंग जितनी भी हैं जिसमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है, कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन से हो गए, तो ये जो है रीजनिंग बहुत ईजी है, कुछ इसमें नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में भी जो फिक्स क्वेश्चन है जैसे एंटोनिम, अपोजिट आ रहा है, आर्टिकल ए एन द का यूज होना है, उसके अलावा जो है सूटेबल प्रिपोजिशन भरना है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भरना है, सिमिलर यानी कि सिनोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, ईरर है या नहीं है, आइडम एंड फेज, ये दो हैं, ये दोस्तों आपका जो है नॉन टेक में आएंगे है ना, नॉन टेक। टोटल नॉन टेक में हम सब बता दें जीके को छोड़ के, क्योंकि जीके का कुछ नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट को ऑलरेडी अपलोड किया हूँ वीडियो में, तो बाकी जो है ये तो हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इस बार जो है मैंने ये पेपर सेलेक्ट किया इसी बेस पे, बहुत ही इजी है और प्लस जो है सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं है ना। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए टू द पावर जो है ए अपन 3 बराबर बी अपन 4 बराबर सी अपन 7, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो ये दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। ये जो है कैलेंडर से, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, तो ये मंगलवार होगा। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करना है इसका, 1 अपन 3 टू पावर माइनस 3 की वैल्यू जो है 27 होती है, इसको शॉर्ट में करेंगे 27, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16 में से 27 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 11, और 1/4 की वैल्यू होती है 64, तो जो है 11/64 जिसे हम ऑप्शन नंबर ए के टर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथा कि एक त्रिभुज की रचना करने वाले संभव ऊर्जाएँ क्या होती हैं, तो ये दोस्तों आपने देखा होगा जो कर्ण होता है, कर्ण जो है दोनों आधार और लंब के योग के बराबर होता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए को फॉलो कर रहा है कि 6 जो है 3 और 3 3 3 मिलके 6 हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है एक समान गति के लिए जो है चाल समय ग्राफ के जो है समय एच के समांतर क्या होगा, तो एक सीधी रेखा लीनियर एक तरह से जो है एक जो है द टाइम स्पीड टाइम के ग्राफ में जो है अगर एक समान गति है तो उसमें लीनियर नहीं स्ट्रेट लाइन जो है करो सीधे जाएगा है ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल फॉर 30 मिनट विद अ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन 40 मिनट विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन,
तो उस कंडीशन में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ट्रेन की क्या होगी, तो एस वन प्लस एस टू अपन टी हो जाएगा। तो एस वन एस टू करेंगे अलग अलग निकालेंगे तो 41.66 आएगा और टी जो है 7/6 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 35.71 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जो है ये एक तरह से ग्राफ है ना, तो इसमें कह रहा है कि जो है कार ए का वेग जो है इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें जो है दो कारें हैं और जो है कार ए कार बी दोनों चल रही हैं। तो कार ए को देखो तो बहुत तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि कार ए का वेग जो है कार बी से अधिक है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है उस पर जो है 10 जो है न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है, वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगा यदि प्रारंभिक वेग में वह स्थिर रहे। तो ये वही है दोस्तों आपका जो है फोर्स से, और इसमें जो है फोर्स वाला जो भी है सारे रूल और वेलोसिटी वाला जो है ये सारे रूल इसमें मिलके लगेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 मिनट पर सेकंड आएगा, है ना। नेक्स्ट है, यदि वस्तु एक समान त्वरण से गति करते हुए 6 मिनट में 84 मीटर एवं 11 सेकंड में 264 मीटर चलती है तो वस्तु की प्रारंभिक गति क्या है। तो ये जो है वही जो है इनिशियल आप वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यही है यू स्क्वायर जो आपका जो है जितने भी जो है हाफ ए टी स्क्वायर होगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस टू एस हो गया, ये जो है जितने भी ये लॉ हैं उनको आपको रटना पड़ेगा और उन्हीं से इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, दो विपरीत एवं बराबर के बल एक गतिमान वस्तु पर लगाए जाते हैं। दो विपरीत और बराबर के बल जब लगेंगे तो वस्तु पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगी, वो चलेगी नहीं क्योंकि बराबर के बल लग रहे हैं, है ना। एक जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है मतलब अपोजिट लग रहे हैं लेकिन फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स जो है सेम है तो वो हिलेगी ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक जो है इनर्शिया किसमें लगेगा, तो इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके जो है मास पे। तो इसमें जो ट्रक है, ट्रक जो है ट्रक को हटाने में ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, मतलब ट्रक जैसे ही चलेगा तो वो ज़्यादा इनर्शिया लेगा, तो ट्रक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 न्यूटन बल का जो है अगर CGS यूनिट में देखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 10^5 N होगी। रेखीय संवेग का मात्रक क्या है दोस्तों, तो रेखीय संवेग का फार्मूला होता है मास गुणे वेलोसिटी, तो मास का हो जाएगा kg और वेलोसिटी का होगा m/s, तो kg m/s ऑप्शन नंबर डी सही है। ये दोस्तों क्वेश्चन है कि एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है, यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 m/s है स्क्वायर है और चंद्रमा पर 1.6 m/s² हो तो वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या है, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 10 kg आएगा इसका। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा समझे, इसमें बस वही कह रहा है कि ब्लॉक के द्वारा जो है एक जो है एक डोरी के सहारे जो है एक जो पिंड है उसको लटका दिया गया है ना। यदि ब्लॉक का भार 15 न्यूटन है तो ब्लॉक पर लगने वाला बल कितना होगा, तो वो भी 15 ही होगा लेकिन किस दिशा में होगा, ये दोस्तों अपवर्ड लगेगा, है ना। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, त्रिज्या भी दे रखा है और पृथ्वी के सतह से कितने 2000 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय जी का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5.7 m/s² हो जाएगा। मनुष्य जो है कितनी हर्ट्स तक की ध्वनि को सुन सकता है, तो ये दोस्तों 1000 हर्ट्स हो गया। कह रहा है कि एक ईंट जिसका आकार 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और का भार इन सबका जो है 4 kgf, यदि धरातल पर दाब सतह पर डालना है तो इसको धरातल पर रखा जाएगा, तो मतलब कि ज़्यादा भार कौन डालेगा धरातल पर। तो अगर हम वर्टिकल लगाएं, है ना, अगर वर्टिकल लगाएं जो है ईंट को रखें तो वो ज़्यादा जो है एक तरह से
दाब डालेगा, प्रेशर कह रहे हैं। तो प्रेशर इक्वल टू होता है, पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए, यानी कि एरिया जितना कम उतना ही प्रेशर ज़्यादा। तो एरिया कम किस में हो रही है, जब ईंट को, बड़ी वाले ईंट को हम जो है वर्टिकल रख रहे हैं ना, तो उसमें एरिया कम लग रही है, तो वहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वहीं बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि जो है भवन की नींव जो बुनियाद दीवार से चौड़ाई बनाई जाती है, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि जो दीवार होती है जब बनाया जाता है मकान, तो बेस जो है चौड़ा बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिससे भवन द्वारा धरातल पर पड़ने वाला जो दाब है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि एरिया बढ़ा देते हैं चौड़ा करके, है ना। कह रहे हैं एक वास्तविक एवं आकार से बड़ी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है कैसे? तो उसके लिए जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके। अब जो है इसमें जो है न्यूमेरिकली है कि एक एमएम एच जी प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 133.28 पास्कल आएगी। हाइड्रोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए लिक्विड के लिए, है ना। कह रहे हैं कि फारेनहाइट पर जो है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? तो 212 फारेनहाइट होती है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो वो होता है सीधा और समान आकार का होता है। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण जो कि परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं और उनके मध्य रखी गई कोई वस्तु है, तो उसमें जो है बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो उसमें 205 हो जाएंगी, उसमें थीटा वाले वैल्यू पड़े होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगी। हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? हेलोजन ग्रुप में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होती हैं, ठीक है। तो उनकी जो है क्रियात्मक समूह मतलब क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कैसी होती है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है फ्लोरीन की होती है, उससे जो है कम क्लोरीन, उसके बाद कम ब्रोमीन और उसके सबसे कम आयोडीन की होती है। नेक्स्ट, कह रहा कि एक गैस एचटीपी पर है और उसका दाब बढ़ाकर 2 गुना तथा ताप बढ़ाकर 546 केल्विन करने पर आयतन में परिवर्तन क्या होगा? तो उसमें दोस्तों एचटीपी पे रखा गया सबसे यही है एचटीपी, है ना। तो उस कंडीशन में जो है दाब भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? मतलब कि उसका दाब 2 गुना कर दिया गया है, तो मतलब प्रेशर भी बढ़ गया ना उसके प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने भले ही टेम्परेचर बढ़ा दिया लेकिन ऊपर से दाब बढ़ा दिया तो वो कहीं जा ही नहीं पाएगी, वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि दाब जो है बाहरी दाब जो है उसको वहीं पे बांध के रखेगा एक तरह से, ये कह लो तो आयतन समान रहेगा। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन में कड़काकार कैसा होता है? तो 10^-9 और 10^-7 मीटर के बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 ग्राम संतृप्त पोटेशियम क्लोराइड विलयन जो कि 20 डिग्री तापमान पर है, उसका वाष्पीकरण करके शुष्क होने तक करने पर 3 ग्राम ठोस अवशेष प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड की विलयता कितनी है? तो ये 33.3 ग्राम हो जाएगी। हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जिनको अगर वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ना। लेकिन दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उससे बहुत तेज़ी से वो रिएक्शन करेगा, है ना। तो वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम कार्बाइड पानी से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो वो दोस्तों मेथेन गैस। एल्युमिनियम कार्बाइड पर पानी से जब करते हैं, जबकि ओनली अगर हम कार्बाइड पे पानी से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिलीन निकलेगी, लेकिन एल्युमिनियम कार्बाइड पे अगर पानी से रिएक्शन कराएंगे तो मार्स गैस निकलेगी। नेक्स्ट, मेथेन जिसे कहते हैं। कह रहे धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तन होता है तो मतलब जो है व्हेन अ मेटल एटम बिकम एन आयन, तो उसका मतलब क्या हो गया? तो वो दोस्तों इट्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज, और वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व पार्टिसिपिटेशन,
रासायनिक अभिक्रिया में सहभागिता किसकी होती है? तो वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है ना। सबसे शक्तिशाली बंध क्या है? तो सिंगल सिंगल सिग्मा बंध SS वाले होते हैं। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर अन रिएक्ट विथ डाइल्यूशन सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज, यानी कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो उस समय कौन सी गैस रिलीज होगी? तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी। न्यूट्रोनों में क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रोनों में जीरो आवेश होता है, जीरो द्रव्यमान होता है। करा कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी कि H2O इनका आयतन के अनुसार अनुपात क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या होती है? तो 2:1 होती है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आक्सीकारक तथा अपचायक दोनों हैं? तो SO2 है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, एक विलयन में H+ आयनों की मात्रा दोस्तों 2×10⁸ मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का pH क्या है? तो 7.699 है, ये जो है न्यूमेरिकल बेस है, इसको सॉल्व करने पे आएगा। करा है कि क्षारीय विलयन में फिनेप्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो क्षारीय में है ना, कलर ऑफ फिनेप्थलीन इंडिकेटर इन अ बेसिक, बेसिक में कैसा होगा? तो दोस्तों रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो है बेसिक नेचर का हमेशा ब्लू हो जाता है, मतलब नीला हो जाता है। वैसे pH नॉर्मल यूनिवर्सल pH इंडिकेटर से देखें या लिटमस पेपर से देखें, लेकिन ये दोस्तों फिनेप्थलीन है ना। क्षारीय विलयन में फिनेप्थलीन का सूचक क्या हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज होता है? द सब्सटेंस यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट, कॉपर के प्रगलन में प्रयुक्त में सब परिवर्तन कुल मिला के कह रहा है कि द मेसक कन्वर्टर यूज फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर कंटेनिंग लाइनिंग ऑफ, तो उस समय जो है किस चीज़ की लाइनिंग होती है? तो उसमें चूना की लाइनिंग होती है। तांबे का इस क्या है? तो तांबे की ओर जो होते हैं मेलाकाइट। एल्कोहल के जो है डिहाइड्रोजेशन करते हैं तो हम कौन सा कंपाउंड प्राप्त करते हैं? तो एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं ना। कराए कि तरल पदार्थ का अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो इसमें कराए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज व्हेन देयर इज, यानी कि किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगी? जब दोस्तों आप जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, यानी कि बी सही है ना। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन 17 एक तरह से कह लो, ये आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? तो ये दोस्तों थर्ड पीरियड के जो है 7वें ग्रुप में है। नेक्स्ट है, इसमें जो है क्षारीय धातु क्या है? कौन से ऐसी धातु है जो बेसिक नेचर की है? तो है दोस्तों सोडियम। एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्केन एल्कीन एल्काइन आपने पढ़ा होगा, तो एल्कीन का जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका C4H8 है। नेक्स्ट है, IPSC नाम फार्मेल्डिहाइड का क्या होगा? तो फार्मेल्डिहाइड का जो है नॉर्मल IPSC नाम जो है मेथेनल है। नेक्स्ट है, एस्टिक एसिड का क्रियात्मक समूह में क्या फार्मूला है? तो COOH होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। तो ये तो हमारी जनरल साइंस हो गई और फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एंटीपायराइट। एंटीपायराइट इसमें से कौन सी दवा है? तो पैरासीटामोल है, बॉक्साइड और जो है जो बॉक्साइड और है उनको किस में कंसंट्रेट किया जाता है, किस प्रोसेस द्वारा उनको जो है कंसंट्रेट किया जाता है? तो लीचिंग प्रोसेस द्वारा उनको कंसंट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, पिक आउट द सब्सटेंस हैविंग मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है? तो वो है वाटर। नेक्स्ट, चूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इसमें से कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है? तो वो है दोस्तों गामा, गामा किरण की जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो वह है फ्लोरीन।
नेक्स्ट है द स्क्रेटनिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल नोन एज, तो उसे टाइडल इफेक्ट कहते हैं। वाटर गैस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो सी ओ प्लस एच टू का होता है। नेक्स्ट है प्लेटो रीमॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय, तो प्लेटो रीमॉडल जो है एटम की वो रदरफोर्ड ने बनाया था, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट आर एलिमेंट ऑफ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल क्या है, यानी कि जिसको रिसाइकल किया जाए, रीयूज किया जाए ना, तो वो है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट ये अब बहुत ईजी मैथ के क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। 61, 62, 63 मैंने जो है इनको टिक कर दिया करेक्ट आंसर सॉल्व करके ऑलरेडी, जगह कम थी नहीं तो इसमें ही मैं मेंशन कर देता, कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है ना, बस आपको दिखना चाहिए। 59 हो गया, 70 भी वैसे ही सेम टू सेम, 71, 72 और 73 को देखते हैं। रिवर का जैसे संबंध डैम से है, वैसे ट्रैफिक का संबंध किससे है, तो सिग्नल से है ना। फाइंड ये जो है रीजनिंग भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये जो है आपके कैलेंडर संबंधित क्वेश्चन है ना, ऐसे देखते जाइएगा, बहुत ईजी है। 81 में अब आते हैं जनरल इंग्लिश पे, इसमें कह रहा है कि एट द सुटेबल क्वेश्चन टैग, कह रहा है कि ही केम हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ पे आएगा आया था, या सॉरी ही कम हियर यस्टरडे, वह कल जो है यहाँ आया था, तो कल आया तो इसको क्वेश्चन बनाना है ना, क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, तो डिड नॉट ही, यानी कि वह यहाँ था, यहाँ आया, इसको कह सकते हैं ना। चेंज द वॉइस, एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। करेक्ट, अ हाउस इज बिल्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो है एक घर बनाया गया, तो उसको दूसरे में क्या होगा, पैसिव में कैसे कहेंगे, तो ही बिल्ड अ हाउस हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस इफ़ यू स्टडी वेल, इसको भरना है आपको, तो इसको क्या कह सकते हैं कि इफ़ यू स्टडी वेल देन यू विल गेट फर्स्ट रैंक, ये हो जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे। चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या कह रहा है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग, इसको इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग, है ना। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी इज द विंग द रेस, तो ये विंग्स हैं, मतलब कि स्लो मतलब निरंतर मतलब अध्ययन करना, धीरे धीरे अध्ययन करना एक तरह से रेस के विंग है ना। इसमें जो है लूज LOUSE, जिसका मतलब जूं होते हैं, कहते हैं ना कानों पे जूं रेंगना या बालों में जो जू वगैरह होते हैं, तो उनकी प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है, तो उनके प्लूरल फॉर्म में LICE हो जाएगा, लाइस ना। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक ईच स्टूडेंट हैज़, तो इसमें हिज ओन प्रॉब्लम, इसमें हिज आएगा ओन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है यूज द राइट टेंस फ्रॉम द वर्ड, इसमें राइट टेंस भरना है। द चीफ मिनिस्टर विजिट माय हाउस लास्ट ईयर बोल दिया, तो विजिट कहाँ आएगा, तो यहाँ पे विजिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट द वर्ड एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब फैलना होता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट द वर्ड विच नॉट अ सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, तो एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, फारसेक मतलब होता है छोड़ देना, फार्गो मतलब भी होता है छोड़ देना, और फॉरे ये इसका मतलब जो ये डिफरेंट है इनसे, इसका मतलब कोई कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रीमा फैंसी मीन का मतलब होता है एट फर्स्ट ग्लांस, यानी कि उसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन जिसे कहते हैं। कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन विथ वन वर्ड, एक वर्ड में इसको डिफाइन करना है कि हु वन हु ट्रीट माइनर डिसऑर्डर ऑफ द फीट, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो छोटे मोटे पैर को जो है, पैर की मोच वोच को क्या कर देता है, ठीक ठाक कर देता है, तो उसको कहते हैं
किरोपोडिस्ट यानी कि पद चिकित्सक। नेक्स्ट है, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन आपको भरना है। कह रहे हैं कि द टीचर वाज फूरियस विथ मी, फूरियस विथ मी हो जाएगा, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस, में सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस को पकड़ना है, तो इसका हो जाएगा ही इज एडॉप्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, वह जो है सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एडॉप्ट किया गया है ना। नेक्स्ट है, चूज द मिसिंग स्पेल्ड, प्रिविलेज, प्रिविलेज हो गया, और जो है एंटी डिसेंट हो गया, बैंक्वेट हो गया, और ये लास्ट वाला जो है, अब मैं बता दे रहा हूँ सबका। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, है ना, तो ये सही है। और दूसरा है आपका जो है एंटीडेंट, इसका मतलब होता है पूर्व पद, जैसे पूर्व पद होता है। और बैंकेंट का मतलब होता है फूलों का गुच्छा, और ये लिखने की कोशिश किया था एक्टेसी, एक्टेसी की सही स्पेलिंग है ECSTASY, जिसका मतलब होता है परम आनंद, है ना। नेक्स्ट है, इसमें आपको ANN द भरना है, तो इसका हो जाएगा ही इज द बेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एबोरेंस, एबोरेंस का जो है आपको एक तरह से वर्ड ढूंढना है, तो इसका मतलब होता है हेटर्स एंड डिगस्ट, मतलब जो हेट मतलब घृणा करने योग्य है। नेक्स्ट है, आवर स्टेट अंडरगो अ पीरियड ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इसका मतलब इसमें जो है करेक्ट फेजल वर्ब क्या आएगी, तो आवर स्टेट गो थ्रू, मतलब गो थ्रू आएगा यहाँ पे, गो थ्रू अ पीरियड ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच द ऑप्शन विच हैज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस टू स्ट्राइक अ चोर्ड, टू स्ट्राइक अ चोर्ड एक तरह से मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि टू से समथिंग दैट अदर पीपल सिम्पथाइज, यानी कि ऐसी राग अलापना जिससे जो है सामने वाला जो है दया करने के लिए एकदम तत्पर हो जाए, है ना। नेक्स्ट है, विच इज रॉन्गली यूज, तो लिखा है अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड मतलब होता है झुंड, तो आप कह सकते हो कि हाथियों का झुंड कह सकते हो, चिड़ियों का झुंड कह सकते हो, कैटल जो पशुओं का झुंड, मवेशियों का झुंड कह सकते हो, लेकिन एंट जो है चींटियों का झुंड, चींटियों का झुंड नहीं कह सकते, तो एक रॉन्गली यूज है ना। तो इस तरह हमने जो है बड़े जो है कोशिश की है 100 क्वेश्चन आपको बताने की, तो 200 क्वेश्चन हमारे लगभग नॉन टेक के क्लियर हो गए, और जो जो चैप्टर मैंने बताया था वो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह जो है नॉन टेक वाला पोर्शन भी कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम में मैं जो है हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर जितने भी हैं, चाहे ऑपरेटर हो चाहे हीट एक्सचेंजर हो, उनके ऑपरेशन से क्वेश्चन वाली वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।